टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज फिर मुंब्रा शहर में एक वारदात की खबर सामने आई है। मुंब्रा देवी रोड पर आज सुबह सुबह एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर वार कर दिया। घटना सुबह लगभग 11 बजे के आसपास में हुई है। जानकारी के मुताबिक सईदा विला नामक इमारत के बीविंग के चौथे मंजिले पर रहने वाले आरिफ अपने घर में सो रहे थे और उसी वक्त बबलू नाम के एक शख्स ने धारदार हथियार से आरिफ पर वार कर दिया, जिसकी वजह से आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात की खबर जैसे ही मुंब्रा पुलिस को लगी, मुंब्रा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल अवस्था में आरिफ को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरिफ और आरोपी बबलू एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और वारदात के बाद से ही आरोपी बबलू फरार है। मुंब्रा पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है।